एक सेवा करवाने वाला आदमी है उसको यहाँ पर मार दें आके, बहुत बड़ी समस्या है ये। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ का देखना चाहिए, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? ये बहुत मंदभागी घटना है, क्योंकि बाहरलियां स्टेटां सिखा नूं टारगेट करना ये आम जी गल हो गई है। एक सेवा करवाने वाला आदमी है उसको यहाँ पर मार दें आके, बहुत बड़ी समस्या है ये। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ का देखना चाहिए, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? पहले भरमल में एक पुजारी को मार दिया गया और आज ये हमारे डेरा प्रमुख को इस तरीके का शरियाम आके कत्ल कर देना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। सिख समाज में इसमें बहुत बड़ा रोष है और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा होना चाहिए और ये जो कातिल है पकड़े जाने चाहिए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बहुत मंदभागी घटना है, क्योंकि बाहरलियां स्टेटां सिखा नूं टारगेट करना ये आम जी गल हो गई है। मैं मानजो प्रधान साहब वालों हिंदुस्तान की सरकार नूं बेनती करदा हां कि सिखा नूं जिहड़ा टारगेट कर रहे ने उन्हां नूं सख्त तों सख्त सजावां दित्तियां जाण। इस घटना की जांच पड़ताल के लिए एक SIT का पुलिस मुख्यालय द्वारा गठन किया गया है, जिसमें STF के लोग रहेंगे और स्थानीय पुलिस के भी अधिकारी उसमें रहेंगे। और इस STF को कहा गया है कि इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे लेके इसके सभी पहलुओं की गहनता से जांच करें। और हमें ना सिर्फ उन हमलावरों को आइडेंटिफाई करना है, पर अगर इस हत्या के पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र या साजिश है उसका भी हमें पर्दाफाश करना है। साथ ही साथ हमने जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे भी संपर्क किया है कि अगर उनके उनके पास इस घटना के बारे में या जो जिनकी हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंह जी, उनके बारे में कोई लाभप्रद जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। और मैं बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम इस जघन्य अपराध के पीछे जो भी साजिश है, जो भी लोग हैं, उनका खुलासा करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।